अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज़ हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ मतलब तैयारी करनी थी। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं आज बाहर से लगभग 25 डेज़ के बाद। तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें बनानी थी और ख़ुद के लिए मुझे साग बनाना था विदाउट ऑयल वाला। आप सबका दिमाग पक गया होगा सुनते सुनते विदाउट ऑयल वाला, बट हाँ जी मैं ऑयल का कुछ भी नहीं खाती। इंशाल्लाह ईद पे खाऊंगी, ईद तक मुझे एक मंथ हो जाएगा, फिर मैं खाऊँगी ईद के बाद ऑयली चीज़ें और यूएजी कराऊँगी, देखूँगी मेरा फैटी लेवल कहाँ से कहाँ तक आ गया है। एनीवेज़ तो यहाँ पे मेरी पनीर जो है फ्राई हो गई थी एंड पनीर फ्राई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा से डर लगता है अगर ये जली, अगर जल गई तो मैं क्या करूँगी। बट यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया लेकिन जली नहीं थी, शुक्र है। फिर भी मुझे लग रहा था नहीं 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 ये तो जली हुई है, बट नहीं जली थी। तो यहाँ पर मैंने खुद के लिए रखी थी विदाउट फ्राई वाली, तो क्योंकि इसको मैं अपने साग में ऐड करूँगी क्योंकि फ्राई तो नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे अच्छे प्याज भी फ्राई कर दिए थे और साथ साथ मैं यहाँ पे दूध भी बॉयल कर रही थी। तो पनीर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गई थी और घर में खुशी का माहौल था, सब खुश थे क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे काफ़ी टाइम बाद आज घर। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लड़कियाँ हैं जिनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते तो उनके लिए मुश्किल होता है ससुराल में रहना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, रहना चाहिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए थे हनवारा और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ गाड़ी में। वो गए हैं नमाज़ पढ़ने और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे जैसा सबको पता है, वो कुछ दिन पहले वहाँ से आए। तक लगा कि व्लॉगिंग करना भी एक इशू बन गया है, तो अभी मैं यहाँ पे थी, मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट मुझे मास्क साथ में नहीं थी तो मैंने सोचा अब ऐसे, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बट अब मैंने सोचा मैं ऐसे कर देती हूँ, मतलब हाफ फेस दिखा देती हूँ, तो इससे अच्छा है तो फेस ही रिवील करते बंदा, बट वो पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आए हैं मार्केट से वापस, तो अभी मुझे पहले थोड़ा सा काम है उसके बाद मैं आपसे बात करूँ। गाइज अभी फाइनली मुझे मौका मिला है अपना व्लॉग स्टार्ट करने का अच्छे से। अभी मैं जस्ट आई हूँ मार्केट से वापस और मेरे हस्बैंड भी बाहर से आए हुए हैं जैसे सबको पता है, वो बाहर गए हुए थे। एक सेकेंड, इसको क्या मसला हो गया? जैसे सबको पता है वो बाहर गए हुए थे, मतलब नियर अबाउट 25 डेज़ तक थे वो वहाँ पे, कुछ काम से गए थे, उसका अपना एक पर्सनल काम था। क्योंकि आप सब ने मुझे पूछा था कि वो कहाँ गए और किस काम की वजह से गए, तो वो एक पर्सनल काम है जिसके लिए वो गए थे। बट अभी वो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कल, तो आज हम गए थे मार्केट, तो अभी हम वहाँ से वापस आए। अभी मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और ईद भी आने वाली है, तो आप सब मुझे कमेंट्स में बोलना आप सबकी ईद की क्या क्या तैयारियाँ हैं। मेरी तो अभी तक कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे जाएगी ईद क्या कुछ, बट हाँ एक बात है, मतलब आप सब एग्री करोगे, जो पहले ज़माने में ईद हुआ करती थी ना, मतलब जब हम छोटे थे तब ईद की एक्साइटमेंट जो थी ना वो अलग ही लेवल की हुआ करती थी, तो अभी वैसा नहीं है, मतलब ऐसा मज़ा नहीं आता है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना आजकल के, मुझे उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि उनको उतना मज़ा नहीं आता है ईद में जैसा हम लोगों को आता था। हमारे बहुत मज़े हुए करते थे उस टाइम पे, हम कितने खुश होते थे अपने नए कपड़ों को लेके, मेहंदी लगाना, बलून्स लाना, मतलब अलग ही माहौल था। बट अब ऐसा माहौल नहीं है, कुछ भी हो हम कितने भी कपड़े लाए, कितने भी बलून लाए, कुछ भी लाए, बट अब ना मतलब हर एक बंदा परेशानी में है। मेरा मानना यही है, दुनिया में किसी के पास कुछ भी हो, जितनी भी दौलत हो शौहर, तो लेकिन फिर भी हर एक बंदा मेरे ख्याल से किसी ना परेशानी में वो ज़रूर है, मतलब ऐसा मज़ा नहीं आता। एनीवेज़ बस कोशिश करें आपके आसपास जो है उनको खुश रखें, हैप्पी रखें, ईद पे जो मतलब खुशियां मनाते हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट करें। और स्पेशली मेरी माओ से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को वो माहौल दिया करें बना के घर में जो हमारे टाइम पे हुआ करता, आजकल तो वैसा नहीं होता है, लेकिन आप वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं, उस माहौल में ले जा सकते हैं उनको, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करें लाइक नए कपड़े, वो तो हर एक लाता है, मतलब कपड़े मैटर नहीं करता है, बट ऐसी खुशियाँ उनको लगना चाहिए नहीं कुछ स्पेशल आने वाला है,
मतलब हमारे घर में कुछ स्पेशल हो रहा है, वैसा कीजिए अपने बच्चों के लिए, खुशी का माहौल बनाइए घर में ताकि उनको भी लगे। बट आजकल वैसा नहीं होता, आजकल पता नहीं कैसा माहौल बना हुआ होता है। बट कोशिश करिए, ट्राई हम कर सकते हैं ना, मेरी हर माँ से रिक्वेस्ट है आप ट्राई करें, अपने बच्चों को खुशियाँ दे, अपने बच्चों को फील कराए कि नहीं कुछ स्पेशल है, एक स्पेशल डे है हमारे लिए। ज़रूरी है हम उनको एक्सपेंसिव कपड़े लेके दे या चीज़ें, वो मैटर नहीं करता, वो तो हर एक के पास होता है। बट जो खुशियाँ हम देते हैं ना, मतलब एक अलग टाइप की खुशियाँ जो होती है वो हम दे सकते हैं अपने बच्चों को, वो माहौल बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने बच्चों को सिखाएंगे खुश रहो, खुशी का दिन है, वो मेरे कहने का मतलब है। पता नहीं मुझे बोलना भी आया कि नहीं, आप सबको समझ आया भी होगा, बट आई होप कि जो मैं बोलना चाहती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। हस्बैंड ये वाली मिठाई लेके आए थे, मेरी फेवरेट है, घर में सबसे ज़्यादा मैंने खाई, अभी मैं और एक पीस लेती हूँ, बट ये मेरी फेवरेट मिठाई है, मतलब मैंने ज़्यादातर खाई। घर का नज़ारा, तो यहाँ पे मैं इफ्तार के लिए गई थी अपने मायके। एक्चुअली उन लोगों ने दावत दी थी मुझे और मेरे हस्बैंड को इफ्तार के लिए, तो यहाँ पे हम गए थे और इन लोगों ने मंगवाई थी चिकन मंडी, जो कि थी बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप अभी खुद देखना कितनी यम्मी लग रही है, और यम्मी थी भी। और आप मुझे कमेंट्स में बोलना आप में से किस किस ने खाई है और किस किस ने नहीं। तो इफ्तार में उतना कुछ नहीं खाया जाता है, बट ये हमने बहुत शौक़ से खाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद वापस आने के बाद हमने यहाँ पर अलफजर से कुछ मिठाई लाई थी, ये इतनी यम्मी थी ना, बहुत ज़्यादा यम्मी थी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खाई और आधी बचा के रखी थी। उसके बाद ये वाली दवाई मैं खाती हूँ अपने फैटी लिवर के लिए, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 1 मंथ तक इसका कोर्स था।